हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम आपको बताने वाले हैं एयर ब्लास्टर के बारे में। एयर ब्लास्टर एक छोटा सा इक्विपमेंट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा करता है किसी भी प्लांट में। सिंपल सी बात है, जो रॉ मटेरियल होता है उसका जो नेचर होता है वो डिफरेंट एंड डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लाइमस्टोन यूज कर रहे हैं, जिप्सम यूज कर रहे हैं, लेटराइट यूज कर रहे हैं या फ्लाई एज यूज कर रहे हैं, तो ये सारे जो रॉ मटेरियल हैं, इसकी जो टेंडेंसी होती है वो स्टिकी नेचर कराता है। अगर ये फाइन रूप में है तो ये बहुत ही घातक होता है। आप देखते होंगे सूट जाम हो गया, इवन हॉरिजॉन्टल सूट रहता है, सीधा वर्टिकल से मटेरियल गिरता है तब भी वो जाम क्रिएट कर देता है। तो जितने भी साइक्लोन्स हैं, विंड्स हैं, सैलोज हैं, वहां पर देखा गया सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल का डिपोजिशन रहता ही रहता है। अगर वो प्रोसेस में है तो प्रोसेस में क्या है कि इवन इतना जैमिंग क्रिएट करता है कि जो फ्लोबिलिटी है वो इंटरप्ट होना चालू कर देता है और ह्यूज ब्रेकडाउन, स्टॉपेज ये सारे क्रिएट होने लगते हैं। तो इन सभी को कंसीडर करते हुए एयर ब्लास्टर का जब से इंट्रोडक्शन हुआ है इंडस्ट्रीज में, ये सबसे ज्यादा बेहतरीन प्ले रोल अदा करने लगी है। आप देखते होंगे रॉ मिल होपर में एयर ब्लास्टर का इंस्टॉलेशन है, किलन के इनलेट पे एयर ब्लास्टर रहते हैं, प्रीहीटर के साइक्लोन में, कोन फोर्सन में एयर ब्लास्टर रहते हैं। जहां जहां मटेरियल का डिपोजिशन का चांसेस है, जहां जहां डिपोजिशन होते हैं, देखा गया, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया, वहां एयर ब्लास्टर आपको देखने को मिलेगा। किल आउटलेट के पास में कूलर के इनलेट पे जो किट्स है, जो सू हॉर्स है, एरिया है, वहां पर एयर ब्लास्टर के द्वारा ही क्लिंकर को सबसे पहले ब्लास्टिंग करके फर्स्ट ग्रेड तक पहुंचाया जाता है, मोबाइल गेट तक पहुंचाया जाता है। वहां पर जो ह्यूज डिपोजिशन होता है क्लिंकर का, वो नहीं होने पाता है, वो फ्लोबिलिटी में सहायक होती है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे एयर ब्लास्टर के इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सकता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। इसका वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल है। इसके लिए चाहिए होता है कंप्रेस एयर। जो कंप्रेस एयर का रिक्वायरमेंट होता है वो होता है 5 से लेकर 6 kg/cm² का। जो कंप्रेस एयर होना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए, इसलिए पैनल से पहले आप देखते होंगे FRL यूनिट लगाया जाता है, फिल्टर रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर। जो फिल्टर का काम होता है सिंपल से है, पाइपलाइन MS का रहता है तो वहां पर रस्टिंग फॉर्मेशन होता ही होता है, और कंप्रेस एयर में वाटर पार्टिकल कुछ न कुछ मात्रा में रहते ही रहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि रस्ट फॉर्मेशन इनसाइड पाइप में रहेगा ही। वो डस्ट रस्ट लेके अगर सीधा सिलेंडर में चला जाएगा, एयर ब्लास्टर सिलेंडर में चला जाएगा, वहां का सील डैमेज हो सकता है, पिस्टन डैमेज हो सकते हैं, इसलिए फिल्टर लगा दिया गया। जितना भी डस्ट पार्टिकल है, रस्ट फॉर्मेशन है का पार्ट है, वो सारा फिल्टर में फिल्टर हो गया। इसके बाद में फ्रेश एयर जाता है रेगुलेटर में। रेगुलेटर से हम प्रेशर सेट करते हैं कि हमको 4 kg का प्रेशर रखना है, 5 kg का प्रेशर रखना है या 6 kg का प्रेशर रखना है, उससे प्रेशर हमने रेगुलेट किया। उसके बाद जाता है लुब्रिकेटर में। लुब्रिकेटर ट्रांसफार्मर ऑयल है या लो हाइड्रोलिक प्रेशर ऑयल ही जनरली यूज करते हैं, उसमें 46 का हाइड्रोलिक ऑयल यूज कर लिए, थोड़ा थोड़ा मात्रा हाइड्रोलिक ऑयल का वो एयर के साथ में पिस्टन सिलेंडर में जाता रहता है। सोलनॉइड वाल्व के ऑपरेशन, डायफ्राम के ऑपरेशन, जो स्प्रिंग सिस्टम है उसमें जाता रहता है, तो वहां पर चोकिंग फॉर्मेशन नहीं होने पाता है। जो पिस्टन लगे रहते हैं उसका प्रॉपर तरीके से उसका ऑपरेशन स्मूथ ऑपरेशन हो, कोई जर्क ना हो, इसलिए ऑयल का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा रहता है एयर का। इसके बाद में सीधा एयर आता है पैनल में। पैनल ये डिसाइड करता है कि कितने एयर ब्लास्टर किसी सिस्टम में लगे हैं। मान लीजिए किल इनलेट में एक सीरीज में 5 एयर ब्लास्टर लगे हुए हैं, तो 5 एयर ब्लास्टर के लिए एक पैनल बन गया। पैनल में ही 5 हेडर बन गए और 5 वाल्व लग गए। वाल्व के थ्रू कौन सा एयर ब्लास्टर चलाना है वहीं से डिसाइड हो जाएगा। तो एक हेडर का रूप पैनल के रूप में रहता है। उसके बाद में इंडिविजुअल SS के पाइप से ही प्रॉपर तरीके से फेरुल फिटिंग के साथ में कनेक्ट रहते हैं जितने भी एयर ब्लास्टर के पाइप्स। रिकमेंड ये किया जाता है फेरुल फिटिंग को अवॉइड किया जाए, सीधा बेल्टेबल टाइप का फिटिंग यूज किया जाता है यहाँ पर। तो SS के 1.6 के वेल्डिंग रॉड से
उसको प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग करके फिक्स किया जाता है। उसका जो फिटिंग्स रहता है वो वेल्डेबल टाइप का फिटिंग रहता है। मेन है कि एक बार आप SS पाइपलाइन को लगा दीजिए, फिर फॉरगेट, भूल जाइए। अगर फिरूल फिटिंग है, पता चलेगा कहीं लीक हो गया, तो अगर लीकेज फॉर्मेशन हो गया, हाई प्रेशर का कंप्रेसर लाइन है, 6 kg का लाइन है, पता चला जो परफॉर्मेंस एयर ब्लास्टर का उतना नहीं मिलेगा। फिर एयर ब्लास्टर में जो SS का पाइप है वो कनेक्ट रहता है, सबसे पहले कनेक्ट रहेगा क्विक एग्जास्ट वाल्व। क्विक एग्जास्ट वाल्व में डायफ्राम होता है, एक स्प्रिंग होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा करता है कि जो एयर के सेपरेशन को कट ऑफ करने के लिए और एयर को फिलअप करने के लिए सिलेंडर के अंदर में। सिलेंडर के इनसाइड में पिस्टन सिलेंडर रहते हैं, पिस्टन रहता है, पिस्टन में दो ऑयल सील रहते हैं। जो एयर है वो पिस्टन के थ्रू ही सेंटर से होता हुआ एक 4 से 5 mm का होल रहता है, उसी के द्वारा पिस्टन से ही जाता है एयर सिलेंडर के इनसाइड में। सबसे पहले जैसे ही एक्टिवेट होगा क्विक एग्जास्ट वाल्व, एयर जाएगा पिस्टन के थ्रू सिलेंडर में, और जैसे ही सिलेंडर, एयर ब्लास्टर का जो सिलेंडर है वो जैसे ही फिलअप होगा, सिलेंडर की कैपेसिटी 50 लीटर भी रहता है, 100 लीटर भी रहता है, 150 लीटर भी रहता है, 200 लीटर रहता है, 250 लीटर रहता है, 300 लीटर रहता है, तो हमने 350 लीटर के भी एयर ब्लास्टर के सिलेंडर देखे हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने इंटेंसिटी से मटेरियल को हमको तोड़ना है, हमको चिप ऑफ करना है, हमको आगे में ट्रांसपोर्ट करना है, वो साइज के हिसाब से डिपेंड रहता है। तो जनरली जो प्रीहीटर में मैंने देखा है कि 100 लीटर तक का एयर ब्लास्टर यूज किया जाता है, तो 100 लीटर का जो एयर ब्लास्टर है पहले कंप्रेस एयर से भर जाएगा। जब उसका इंटरवल आएगा, इसमें टाइनर पैनल लगा रहता है कि ये जो एयर ब्लास्टर है हर 5 मिनट में एक बार ब्लो ऑफ करना चाहिए। जैसे ही 5 मिनट हुआ, एयर ब्लास्टर का जो क्विक एग्जास्ट वाल्व है, जो प्रेशर डेवलप करके रखा है पिस्टन को, पिस्टन पे क्या है, पिस्टन के जस्ट ऊपर में एक 6 kg का प्रेशर डेवलप रहेगा, वो दबा के रखेगा पिस्टन को, जो उसके इनसाइड में है ब्लो पाइप। जो पिस्टन के बॉटम में जो सेवर रहता है, सेवर और जो ब्लो पाइप है उसके ऊपर में जस्ट फिक्स रहेगा, और 6 kg के प्रेशर के जब दबा रहेगा तो वो फुल इंटैक्ट रहेगा प्रेशर। और जैसे ही 5 मिनट हुआ, टाइमर पैनल आया, कुछ एग्जास्ट वाल्व को कमांड गया, वो इमीडिएट डीएक्टिवेट होगा और जो कंप्रेस एयर है वो एग्जास्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और जो एयर है पिस्टन को दबा के रखा है, पिस्टन इमीडिएट पीछे साइड में आएगा, और जितने भी 100 kg का प्रेशर है एक ही साथ नोजल के थ्रू ब्लास्ट कर जाएगा, उसको इको बोलेंगे एयर ब्लास्ट, एयर ब्लास्टर। और सामने में अगर जो इतना भी डिपोजिशन है या चिप ऑफ करना है, वो डिपेंड करता है कि नोजल किस साइज का लगा है, वो मटेरियल को रुकने नहीं देता है और वो आगे बढ़ जाता है। अब बात करते हैं, ये तो था वर्किंग प्लेस पर, कितने टाइप के जैमिंग होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कोई भी साइक्लोन है या कोई बिन है, मान लीजिए, तो बिन में चैनलिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। चैनलिंग फॉर्मेशन क्या है कि मान लीजिए कोन पोर्शन है और जिप्सम है या फ्लाई एश है या क्लिंकर है या लाइमस्टोन है, क्लिंकर नहीं, लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उससे दिक्कत नहीं होता है, लेकिन उसका जो फाइन पार्टिकल है वो बहुत ही घातक रहता है, जो उसमें सॉयल रहता है वो बहुत घातक रहता है। वो क्या करते हैं, जितने भी कॉर्नर एरियाज हैं वहां पर डिपोजिशन होने के साथ साथ में सारे भर जाते हैं। मान लीजिए कि 2 मीटर का एरिया भर गया तो उसी के ऊपर में जितना भी मटेरियल भरता चला जाएगा, तो पता चला कि मटेरियल वहां से आ रहा है टॉप से और सीधा ऊपर से होता हुआ नीचे जा रहा है, बिन में नहीं भर रहा है। तो बिन के साइड साइड में जितने मटेरियल है उसको हटाने के लिए साइड में अगर 2 एयर ब्लास्टर लगा दिया गया उसके कैपेसिटी के हिसाब से, तो वो सारा चिप ऑफ करते हुए नीचे गिराता रहता है, जिससे कि इंटरप्ट फ्री ऑपरेशन मिल पाता है। चैनलिंग हुआ, ब्रीजिंग हुआ, रोथुले हुआ, तो इन टाइप के मटेरियल का जैमिंग होती है। तीन सभी जैमिंग को हटाने के लिए एयर ब्लास्टर का यूज होता है। इसके रखरखाव मेंटेनेंस के लिए भी एक वीडियो बन गया है, उसको आप देख सकते हैं। दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया हो और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।